बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में फीमेल मेडिकल असिस्टेंट यानी FMA स्पोर्ट्समैन PFNDI का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से शख्सियतनामा टेस्ट यानी आपका जो पर्सनलिटी टेस्ट BRS टेस्ट की तैयारी 100% गारंटी के साथ होने लगी है। तो आपका अलग से भी शख्सियतनामा टेस्ट लिया जा सकता है, इनिशियल इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू में भी शख्सियतनामा टेस्ट के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो शख्सियतनामा टेस्ट है यानी ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है या BRS टेस्ट है, ये लेने का मकसद क्या होता है। जब आप लोगों को मकसद समझ में आ गया तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखें, जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये आपकी शख्सियत को चेक करने के लिए लिया जाता है, यानी आप में अच्छाई कितनी है, आप में बुराई कितनी है, आप क्रिएटिव कितना सोचते हैं, आप नेगेटिव या पॉजिटिव कितना सोचते हैं। और जो BRS के भी क्वेश्चन आते हैं, BRS की फुल फॉर्म है बेसिक रिलीजियस सेंस, यानी आपके मजहब और फिरके के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरह सोचते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बड़ा अजीबो गरीब सा है कि अगर आपकी बहन कपड़े उतारी हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 है मदद करेंगे, ऑप्शन 2 है मारेंगे, ऑप्शन 3 है कुछ भी नहीं करेंगे और ऑप्शन 4 है गालियां निकालकर बाहर चले जाएंगे। देखिए, अगर आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए, आपकी बहन कपड़े उतारी तो आप क्या करेंगे। ये भी हो सकता है ना कि आपकी बहन ने मतलब कि तार पर कपड़े सुखाने के लिए रखे हों, वहाँ से उतारी हो, या ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी ऊंची जगह पर कपड़े रखे हों सुखाने के लिए या वैसे, तो वहाँ से उतारी हो, ये भी हो सकता है ना। अगर ये हो सकता है तो फिर आपका जवाब क्या होगा। नंबर 1 इसका जवाब होगा कि मदद करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने अपने सेंस को और मतलब अपने माइंड को ठंडा रख के क्वेश्चन का जवाब देना होगा और क्रिएटिव मतलब कि सोच रख के ये मतलब इसका जवाब देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं। नीचे ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना होने के बराबर या अक्सर औकात। तो देखें, आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं तो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि ना होने के बराबर। क्योंकि असल बात, हालांकि आप रियल ज़िंदगी में जल्दबाजी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेस्ट के दौरान आपको इसका जवाब ना होने के बराबर ही देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो जवाब होगा वो गलत होगा। तो वैसे भी मतलब कि फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर ठंडे दिमाग से फैसला करना चाहिए। तो इसका जवाब है सी ऑप्शन, ना होने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भाई इस्लाम मज़हब या फ़िरका छोड़कर चला जाए तो आप क्या करोगे। यानी आपका भाई इस्लाम मज़हब या फ़िरका छोड़कर चला जाए यानी किसी और फ़िरके को या मज़हब को कबूल कर ले तो आपका क्या रिएक्ट होगा, आप क्या करोगे। नंबर ऑप्शन 1 है कि आप उसको मार दोगे, ऑप्शन 2 है कि उसको घर से बाहर निकाल दोगे यानी घर से निकाल दोगे पक्का पक्का, और नंबर 3 पे है कि आप भी उस जैसे हो जाओगे यानी आप भी उसका मज़हब या फ़िरका कबूल कर लोगे, नंबर 4 पे है कि समझाने की कोशिश करोगे, प्यार से समझाने की कोशिश करोगे। तो देखिए, इस्लाम में सख्ती नहीं है, मतलब कि कोई अगर जाना चाहता है, मतलब आपका भाई वालद या रिश्तेदार या जो भी मतलब कि जाना चाहता है अपने इस्लाम से या फिरके किसी फिरके से कोई दूसरे फिरके से जाना चाहता है तो वो मतलब जा सकता है, इसमें सख्ती नहीं है। आप ना मार सकते हो, ना घर से निकाल सकते हो, ना निकालना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाने की कोशिश की जा सकती है। अगर उसको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इस्लाम में सख्ती नहीं है। यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि मतलब देखें, फ़िरका वारियत से भी दूर रहना चाहिए। यह नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत बात कोई मतलब करे तो आप फौरी उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, क्योंकि फ़िरका वारियत से ज़्यादा लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, बदअमनी पैदा होती है। तो बदअमनी मतलब कि दीन का मतलब कि जो दीनदार बिल्कुल सही मतलब इस्लाम पर होता है वो फ़िरका वारियत से और दीन मतलब वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है, वो अमन पसंद होता है। तो अपने माइंड को फ्रेश करके मतलब क्रिएटिव सोचकर पॉजिटिव आपने जवाब देना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जो भी काम करता हूं पहले सोचता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बहुत ज़्यादा। मतलब है कि जो भी काम बंदा करे पहले सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि सोचे समझे बगैर काम शुरू कर दे, बाद में देखो उसमें खसारा आ गया या बाद में उसमें नुकसान हो गया या बाद में उसमें लड़ाई झगड़ा हो, मतलब सब प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो जो भी काम करना चाहिए उससे पहले मतलब कि पहले क्या करना, सोचना चाहिए। तो इसका जवाब होगा बहुत ज़्यादा, मैं जो भी काम करता हूँ पहले सोचता हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो। क्या बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो, नहीं या हाँ। तो देखें, मतलब कि बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, इसका बी ऑप्शन राइट है हाँ। ये नहीं कि मतलब अगर बहस में आप दूसरों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और समझदारी भी यही होती है कि बहस में ठंडे दिमाग से मतलब कि लोगों की बातें सुनी जाएँ और अपनी बताई जाए। अगर देखें कि अगला बंदा बहुत ही ज़्यादा जाहिल है, वो आपको मतलब कि तरह तरह की बातें सुना के आपको मतलब कि गलत मतलब आपको माइंड को ख़राब कर रहा है, तो देखें मतलब वहाँ से उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है हाँ, बात बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखी होने पर क्या करते हो। दुखी होने पर क्या करते हो, ऑप्शन ए है प्रॉब्लम का हल तलाश करते हो या कुछ भी नहीं करते। तो मतलब है कि प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है,
तो प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, तो प्रॉब्लम का हल तलाश करना चाहिए बजाय इसके के कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब कि दुखी होने पर क्या करते हो, प्रॉब्लम का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि दुखी हो गए तो बस फिरते रहे, मतलब ये तो नहीं ना हो सकता। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, प्रॉब्लम का हल तलाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो नौकरियां हो तो आप कौन सी करोगे? ऑप्शन ए है अच्छी तनख्वाह और ऑप्शन बी है पसंद की नौकरी। तो इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब देंगे कि आपका आपके माइंड से इसका क्या जवाब हो सकता है। तो इसका अगर आपको आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको मतलब कमेंट बॉक्स में उसका जवाब सही बता दूंगा, लेकिन इसका जवाब आप देंगे कि आपके पास अगर दो नौकरियां हों, आपको दो नौकरियों की ऑफर की जाए तो आप कौन सी करोगे, अच्छी तनख्वाह वाली या पसंद की नौकरी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इनमें से किसका इंतखाब करोगे, किताब पढ़ना या म्यूज़िक सुनना? तो ये भी फैसला आप पे ही छोड़ देते हैं कि आप मतलब कि किसका इंतखाब करोगे, किताब को पढ़ना या म्यूज़िक सुनना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ, तो ये आदत बिल्कुल बुरी है, मतलब किसी में जाकर जल्दी घुल मिल नहीं जाना बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे मतलब जहाँ मतलब क्या मेहमान वगैरह गए या जिस भी जगह पे गए हैं तो वहाँ पे जाकर आप जल्दी उनमें से घुल मिल जाना, ये बेवकूफ़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम, मतलब कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं जल्दी घुल मिल नहीं जाता, बल्कि अगले बंदे को जज करना चाहिए, अगले बंदे के साथ मतलब गपशप हो, ये ऐसा नहीं कि मतलब जाते समय ही फौरी मतलब उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ, मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ, तो इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? कि मैं जहरी बात है कि वादे का पाबंदी बिल्कुल ज़रूरी है, और इस्लाम में भी वादे की पाबंदी पर काफ़ी मतलब है कि क्योंकि जोर दिया गया है कि वादे की पाबंदी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वादे की पाबंदी छोड़ दी जाए तो बड़े ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो वैसे भी एक बहुत कबीरा गुनाह है। तो वादे की पाबंद मतलब रहना अच्छी बात है। इसका राइट आंसर होगा कि मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ, तो इसका क्या होगा ए ऑप्शन होगा बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों पर छोड़ देता हूँ। तो देख लें, इसमें आप खुद ही मतलब सोच लें कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों पर छोड़ देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ना होने के बराबर, बहुत काम नहीं होगा इसका, ना होने के बराबर, क्योंकि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों का क्यों छोड़ूं? अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, माइंड दिया है, तो मैं खुद मतलब उसको करने की कोशिश करूंगा ना, किसी के मतलब कि रहमो कर्मों पर छोड़ देना तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है, आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा आवारा कर दो, मतलब आप किसी को भी मतलब उसके रहमो कर्मों पर छोड़ देते हो, जो मर्जी करो, तो आप आपका तो मतलब कि चंद महीनों में आपका सारा वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों पर छोड़ देता हूँ, इसका मतलब आंसर होगा ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकामी के बाद अपने आप से नफरत करता हूं, यानी मतलब है कि मैं नाकाम हो जाता हूं तो मैं अपने आप से नफरत करता हूं, तो ये तो मतलब है कि गलत बात हुई ना। इसका राइट आंसर भी ना होने के बराबर ही होगा, नाकामी के बाद मैं अपने आप से नफरत नहीं करता, बल्कि दोबारा कोशिश करता हूं कि नए मतलब एक तरह से नई हिम्मत से दोबारा उस काम को करूं। ये नहीं कि मतलब एक दफ़ा मैं नाकाम हो गया तो मैं बैठ जाऊं, ये बिल्कुल नहीं। जो आपने आपका जो भी मकसद है या जो भी मतलब आपने सोचा हुआ है उस पर नाकामियाँ तो होंगी, जहरी बात है नाकामियाँ तो होंगी, लेकिन नाकामियों से लड़ना है बल्कि इसके के चुप करके बैठ जाएँ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि नाकामी के बाद अपने आप से नफरत करता हूँ ना होने के बराबर, कि आप खुद गरज हैं। क्या आप खुद गरज हैं? तो इसका जवाब तो वैसे बनता है ना होने के बराबर, क्योंकि जो खुद गर्जी ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें मतलब देखें, आपको दो चॉइस होती हैं, इसमें बहुत कम भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर है वो है ना होने के बराबर, क्योंकि खुद गर्जी 1% भी इंसान में नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा इसका जो जवाब होगा ना होने के बराबर, अगर बहुत बहुत ही कम पे भी टिक कर दें फिर भी तकरीबन ठीक ही इसका आंसर बनता है, लेकिन आपका जवाब इसका ना होने के बराबर इसका 100% बेस्ट आंसर है। हर क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें दोनों में से एक को बेस्ट को आपने चूज़ करना होता है, दूसरे को भी आप टिक कर दो फिर भी आपको नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन यह कि बेस्ट आंसर जितने अच्छे आप तलाश करके आप टिक करोगे उतने ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि खुदगर्जी इंसान में नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है? तो बिल्कुल ठीक है, दूसरों के साथ काम करना एक बहुत अच्छी बात है, और ये तरक्की भी मतलब इसी से ही होती है। मतलब अगर जो भी लोग मतलब कि आज करोड़पति या किसी भी बिज़नेस में किसी भी चीज़ में वो कामयाब हैं तो वो लोगों के साथ अच्छे रवैये की वजह से और मैनेजमेंट की वजह से वो मतलब कि कामयाब हैं। तो दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि अक्सर औकात भी टिक कर दें तो किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो है बहुत ज़्यादा, कि दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको कानून सीखने का मौका मिले तो आप तो क्या करेंगे, यानी मतलब कि आपको कानून तोड़ने का मौका मिले, मतलब एक आपके हाथ में हो कानून तोड़ना, तो आप तो क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होता है, राइट जो बेस्ट आंसर है वो होता है ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, क्योंकि कानून तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो इसका बहुत कम पे भी अगर ठीक कर दें फिर भी आपका जवाब ठीक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि कानून शिकनी 1% भी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने फैसले को खुद कर सकते हैं, क्या आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं? तो जारी बात है, अपने फैसले खुद ही करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनता है बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात भी अगर ठीक कर दें तो ठीक तो बनता है, लेकिन हमें बेस्ट जो 100% बेस्ट आंसर है उसे चूज़ करने की कोशिश करनी है। तो इसका राइट आंसर बनता है बहुत ज़्यादा, क्या आप अपने फैसले को खुद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें तो 1% की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या आप हकीकत पसंद हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मैं हकीकत पसंद हूँ, क्योंकि हकीकत पसंद ही रहना चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हकीकत, क्या आप हकीकत पसंद हैं? तो इसका राइट आंसर है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको बच्चों के शोर पर गुस्सा आता है? तो इसका राइट आंसर अगर कर दें बहुत ही कम तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कभी कभार इसका बेस्ट आंसर बनता है, क्योंकि जो गुस्सा है ये इंसान की कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की बर्दाश्त से भी आगे चला जाता है, तो गुस्सा आ जाता है। तो इसका अगर आंसर आप बहुत ही कम करें फिर भी ठीक होगा, लेकिन कभी कभार इसका बेस्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर भी बहुत ही कम है, लेकिन अगर कभी कभार कह दें फिर भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ना होने के बराबर इसका राइट आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि झूठ तो किसी न किसी वजह से मतलब है कि अक्सर इंसान बोल जाते हैं। तो इसमें मतलब है कि कोशिश तो करनी चाहिए कि 1% भी झूठ ना बोला जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाए तो फिर लोग बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा बहुत ही कम, क्या आप ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते? तो हम 100% गारंटी कोई इंसान भी किसी इंसान को भी देनी मुश्किल है फिलहाल जो दौर चल रहा है। तो बहुत ही काम इसका राइट आंसर है, लेकिन कभी कभार के भी अगर ठीक किया जाए तो फिर भी ठीक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने वालदैन से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा ना होने के बराबर, अगर मतलब है कि बहुत ही कम पर भी अगर टिक कर दिया जाए तो किसी हद तक ये भी आपका आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन इसका 100% है ना होने के बराबर, क्योंकि जो ये तो कुरान मजीद में भी आयत है कि जब वालद ज़्यादा बूढ़े हो जाएं तो उसके साथ मतलब उफ भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ऊंची आवाज़ तो बहुत बड़ी बात है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ना होने के बराबर, लेकिन बहुत ही कम ये भी किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर है ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा अक्सर औकात, अगर आप बहुत ज़्यादा पे टिक करेंगे किसी हद तक ये भी ठीक है, लेकिन हर इंसान बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद नहीं करता, अगर हर इंसान गरीबों की मदद करता बहुत ज़्यादा तो फिर पाकिस्तान की हालात बहुत अच्छे होते। तो लिहाजा इसका राइट आंसर बनेगा अक्सर औकात, हालांकि इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर तो बनना चाहिए बहुत ही कम मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं सिस्टम चलेगा ये, जो जिस तरह है वो दस्तूर उस तरह ही इसका जवाब होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि आप गरीबों की मदद करते हैं अक्सर औकात, अगर बहुत ज़्यादा भी टिक कर देंगे फिर भी आपका राइट आंसर ठीक ही होगा, लेकिन बेस्ट आंसर है कि अक्सर औकात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप नौजवान लड़कियों को अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं? तो ना होने के बराबर, इस तरह के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, बहुत ही कम आपका आंसर लग जाए टिक कर दें किसी हद तक ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका बेस्ट आंसर है ना होने के बराबर, लड़कियों से दोस्ती करना कोई 1% भी अच्छी बात या अच्छी आदत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि आप मुश्किल हालात में अपने आप को संभाल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अक्सर औकात भी अगर इसका टिक कर दें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दूसरा ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में जो लोग एक्सपीरियंस मतलब बताते हैं तो वो ये कह रहे थे कि मतलब एक दो ऑप्शन में दो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक मतलब एक को टिक करना होता है। तो इसमें भी मतलब कि इस सवाल की अगर बात करें कि आप समझते हैं कि आप मुश्किल हालात में अपने आप को संभाल सकते हैं, इसमें अक्सर औकात भी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट आंसर है, क्योंकि मुश्किल हालात में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी मतलब एक चीज़ है। तो इसका राइट आंसर बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसामा बिन लादन का तल्लक किस ग्रोह से था? उसामा बिन लादन का जो तल्लक था वो अलकायदा से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कुछ मदारस फिसाद फैलाने की असल वजह है? क्या कुछ मदारस यानी मदरसे फिसाद फैलाने की असल वजह है? तो इसका राइट आंसर होगा ना मुतफिक, मतलब इससे मैं मुतफिक एग्री नहीं करता, क्योंकि मदारस जो हैं वो फसाद नहीं फैलाते। तो इसका राइट आंसर होगा वजह नहीं, मतलब कि वजह नहीं है मदरस में फसाद फैलाने की, ना मुतफिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या आप दूसरे फिरके की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे? तो इसका राइट आंसर मुतफिक भी है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वह है इमाम साहब से पूछूंगा। लेकिन इसका मुतफिक और इमाम साहब दोनों से ये 50-50 दोनों में से कोई भी अगर टिक कर दो तो आपका ठीक होगा, लेकिन ना मुतफिक और कुछ कह नहीं सकते ये तो दोनों गलत होंगे। मुतफिक या इमाम साहब से पूछूंगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि पर्सनालिटी टेस्ट या बीआरएस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने अपने जहन को पॉजिटिव रख के और अपने मतलब कि मज़हब और फिरके को मतलब कि अच्छी तरह नज़र में रख के आप लोगों ने जवाब देने हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ।